आपकी तरह सामने जा रहा है। अभी मेरे साथ पीछे बैठी होती है ना, ऐसे मीठी मीठी बातें करेंगी। अभी मेरा तो बहन, मेरे को तो पता है ये रिकॉर्डिंग कर लेती है बहन, रिकॉर्डिंग करके फिर छोटों को बुला लेंगे। अबे ये मेरे को ऐसे बोला, ऐसे इसने मेरे इधर हाथ लगाया, इसने मेरे इधर, इसने मेरे को इधर से पकड़ लिया, ऐसे ही कह देगी बहन जो। जो मेरे को पास सुरे आलो नहीं तो मैं छोटों को बुलाती हूँ। एक नंबर की हरामी रंडियाँ हैं बहन जो ये। और पीछे वाली बात किसने बताई? किसी ने यहाँ पे ड्राइवरों ने किया हुआ है। दोस्त है हॉस्टल, वो सुना रहा था इसने कहानी। कहता है यार मेरी एक ना लड़की है ना, जो मैडम थी ना, वो ना मदरसा इधर ममल का है, उधर ममल का मदरसा है, उधर पढ़ती है, मदरसे में पढ़ती है, पढ़ती थी। तो वो उधर अच्छा। फंक्शन था, वो कहती है मेरे को उधर लेके जा। हाँ लड़की के बच्चे मैंने शहर लगाया हुआ, सफर तो है ही नहीं ना। कहती है जब मैं मोहम्मद उतरूंगी ना उधर, तो जैसे अमीर लोग नहीं बाहर निकलते, उनके ड्राइवर या पहले उसके दरवाज़ा खोलते हैं ऐसे, बड़ा आदमी बाहर निकला फिर दरवाज़ा बंद किया। कहती तो मैं ऐसे करना, मैं तो मुलाजम हूँ, मैं तो करूँगा। कहता वैसे ही किया जैसे, उसने कहा मैं निकलूँगी तुम दरवाज़ा खोलना, फिर तुम कह देना जब मैं आऊँगी फिर ऐसे ही करना तुम। अच्छा ड्राइवर लगे, ड्राइवर ने भाई खोला दरवाज़ा, निकल गई मैडम, चली गई जाके वापस, पता नहीं कितनी देर बाद आई रात को आई। फिर ड्राइवर उठा उसने दरवाज़ा खोला, जब वो अंदर बैठने लगे और पीछे से चप्पा चढ़ा दिया ना, चप्पा चढ़ा दिया गांड में। वो कुछ नहीं बोली, ड्राइवर भी जवान था बहन चो, इंडिया का था। बस वो गाड़ी में बैठी, उसने हाथ शाथ पहनना शुरू किया, बोली नहीं वो, ऐसे मर गई बहन चो, खामोश हो गई। बस फिर कहता है मैं गाड़ी ले गया साइड पे, उतार दिए कपड़े, चुम्मा चट्टा किया पहले। जब मैं लौड़ा डालने लगा ना, कहती है ना आगे नहीं पीछे डालो, कितना मुश्किल आ जाए, मुश्किल हो जाएगी। ताकि मैं पीछे से डलाऊंगी तो कोई बात नहीं, ये मेरी है, आगे वाली चीज़ कहती है आगे वाले की। उधार की है वो तो मैं मेरे को मार देगा वो, मार मार के भैंस को, कहाँ से भैंस तूने तोड़ाई सी ली, ऐसी रंडी की बच्ची हैं, शराब पीती हैं, सारे काम करती हैं उल्टे सीधे जो भी हैं। बड़ी हरंडी बाजी है भैंस, बहुत जनाज जितना इधर होता है ना अरब में, उतना कहीं भी नहीं, सबसे ज्यादा सुना अरब में। कितनी चार चार तो शादियाँ, कितनी कितनी शादियाँ करते हैं वो, चार औरतों को एक आदमी कैसे बुराई करेगा, मैंने मेरे को ये बताया। अच्छा फिर औरतें निकल पड़ती हैं अपना बंदोबस्त करने। बंदोबस्त तो हुआ होता है पहले, सांड भैंस चो दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे देख रहे होते हैं, भैंस चो ये पुट्ठे की भैंस की बीवी है, लड़ा करेगा ये एक दो बार जोतेगा, बस इसकी बस हो जाएगी, गांठ बंद हो जाएगी इसकी। फिर वो बाहर ढूंढती हैं जवान, अच्छा शबाब आदमी ढूंढती हैं, जो लौड़ा सख्त हो जिसका तो सट लगाए, जब भैंस हला दे उसका अंदर भी। तो फिर बाहर तो बड़े बड़े भैंस लड़के खड़े हैं मार्केटों के अंदर, सूखों के अंदर, तो उधर रबता होता है, फिर बार बार टैक्सी में बैठ के चली जाती हैं आगे जहाँ भी। उसमें सारी बात है, जो ऐसे काम करते हैं लड़के उनके पास अपनी रहायशें भी होती हैं, उधर ले गए किसी को, क्या क्या होटल लेना कौन सा मुश्किल है, शिद्दा है होटल है, जिधर मर्जी ले जाओ औरत को, औरत तुम्हारी सपोर्ट में होनी चाहिए। हाँ। ये बात नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए, जब औरत तुम्हारे फेवर में होगी तो समझ लो तुम कामयाब हो, अगर औरत ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया तो तेरी गर्दन उतरने के लिए बस किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इतना का सजा मौत है ना। तो औरत को भी तो पकड़ते हैं यहाँ पर, औरत को नहीं कुछ कहते हैं, नहीं कहते, वो कह देगी इस ज़बरदस्ती की है, ज़बरदस्ती। अभी इसने मलिक सलमान ने कहा, कहता टेस्ट करो इनके मर्द का भी औरत का भी, देखो चौदह भी है कि बहन चौदह ऐसे ही उसको गर्दन उतरवा रही है उसकी। हाँ सही बात है, टेस्ट करो कहते हैं एसी। हाँ मैं तो तंग आ गया बहन जो ऐसे एसी से। अच्छा यकीन माने वल्लाह। हाँ पाँच साल से आप यहाँ कभी हाथ साफ नहीं किया? नहीं हम तो जाते आते रहते हैं ना, नमाज़ पढ़े अच्छा एक बार दो बार मिली है, कहती है पाँच सौ रियाल दो, मैंने कहा मेरे पास पाँच रियाल हैं वो लेने हैं तो ले ले, मैं तो फ्री में तेरी लूँगा, उनका किराया छोड़ सकता हूँ मैं, ये कर सकता हूँ इतने नेकी तरह से, अभी किराया ना दे तो खुद ही दे दे मेरे को, कहते मेरे को पाँच सौ रियाल चाहिए ला दूँगी, वो सब तक नहीं दूँगा मैं तो। मैंने कहा पाँच सौ रियाल तो तेरे को मैं भी नहीं दूँगा। हाँ बहन जो तेरा क्या द्वार है, पैसे लेके बाद में कहते चल भाग जा। हाँ तो हो ना लड़की का पता हो, देती है बहन जो या बंदे के साथ पहले अलाइनमेंट हो,
ये तो भयंकर औरतें बहुत हरामी है, शुरता फौरन आ जाता, कहता है तुम ठीक नहीं हो, ये औरतें सच्ची हैं। वो लोकल तो फिर लोकल होती है ना, अरबी की बात सुनेंगे आपकी कौन सुनेगा, हमारी नहीं सुनते। कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच बोल रही है, बेशक उसके बुद्धि के अंदर से ऐसे लौड़ा अभी बाहर ही निकला तो उसने ऐसे ऊपर कर लिया ना कच्छा, तो ऊपर से वो आ गया मतावा ये शुरता, बस उसने कहा ना ये तो इसने तो मैंने तो चुदवाया नहीं, इसने तो ज़बरदस्ती डाल दिया मेरे अंदर, मैं तो शोर मचाया, मैंने बड़ा दाद फरियाद की मगर इसने छोड़ा ही नहीं, तो फिर वो बोलेंगे ये हरामी है, इसने ज़बरदस्ती ठोका इसको, चलो ले चलो। हालांकि चुदवाया औरत को ज़बरदस्ती कुछ हो सकता है, मेरे को ये बताएं, वो भी यहाँ की जो औरतें हैं ये ज़बरदस्ती कैसे आप चोद लेंगे, लोड़ा डालने नहीं देगी वो अंदर। हाँ वैसे आप उसके मुँह में चूस सकते हैं, कपड़े उतार सकते हैं, जो सब कुछ, मगर वो लोड़ा नहीं डालने अगर वो राज़ी नहीं है औरत, ये तो पक्की बात है ना, औरत की मर्जी के बगैर आप उसको यह चोद नहीं सकते। ज़बरदस्ती है बस बाहर तक, अंदर डालने वाला काम तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। वो पहले कहती हैं कितना मुश्किल है मोहम्मद वाला दाखिल, गांड मारो हमारी। इधर भी कहते हैं काफ़ी सोती हैं वो, गांड मारते हैं उनकी बहन चोदों में, फिर वे तलाक ले लेती हैं, बड़ा कुछ होता है इधर बहन चोद, बड़े बड़े चक्कर होते हैं इधर, ये शकीन बार बार शादियाँ भी हो जाती हैं बड़े। इधर बहुत ज़्यादा औरतें तलाक याफ्ता हैं, बहुत ही ज़्यादा तलाक है, जितनी तलाक सऊदी अरब में होती है उतनी कितनी कहीं भी नहीं होती। म्यूजिक चला लें सर, चला लें, आपको सुनना है तो रहने दें, खैर है, सुकून है। शीशा बंद कर लें पीछे से, इधर से कर दें। अच्छा यार अल्लाह मालिक है, अभी आता हूँ ना वापसी, आते हुए डिवाइस ही बंद कर देनी है, जीना हराम कर दिया सर। खाना खाना ही बंद कर दिया, बहन चोद ऐसे मैसेज मारती है ना, अभी पहले खाना खाऊंगा फिर गाड़ी चलाऊंगा। सही है, जान है तो जान है, सही बात है, तो मर गए तो कौन भैंजे पीछे तो कोई ख़त्म भी नहीं देगा, हद्दू तो ख़त्म भी नहीं देगा, कहते भैंजे मर गया जान छूट गई। दुनिया किसी को यहाँ से निकालने के चक्कर में है ना, बंदा आया हुआ है इधर, मगर ये दुनिया जो है इसको रफू चक्कर करने के चक्कर में है, कहते निकल जाए बस कहीं, ये दुनिया है, ये तो कोई फ़ायदा दोगे वो तुम्हारे गीत गाएगा, जिसको नुकसान दोगे वो तुम्हें गाली देगा। कराची में कैसा काम है ओवर का?